नीतीश कुमार ने बड़ा पद मांगा है, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू से बहुत बड़ा पद मांगा है एनडीए में। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहने के लिए, नई सरकार के गठन के लिए बड़ा पद मांगा है। 12 सांसद हैं जेडीयू के नीतीश कुमार के पास। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, तो एनडीए के साथ सरकार बनाने को लेकर टीडीपी और जेडीयू का साथ रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे में नीतीश ने हालात को बखूबी समझते हुए बड़ा पद मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नई सरकार को लेकर, ये बड़ी खबर, जहां सरकार में शामिल होगी जेडीयू, लेकिन बड़ा पद उसके लिए देना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले एनडीए की बैठक खत्म हुई है और ये जानकारी कि जेडीयू ने सरकार में रहने के लिए बड़ा पद मांगा है, क्योंकि इससे पहले इंडिया अलायंस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि नए सहयोगी भी आ सकते हैं। सरकार बनाने को लेकर इंडिया अलायंस भी बैठक कर रहा है और भविष्य में सरकार बनाएगा या विपक्ष में बैठेगा, इसको लेकर इंडिया अलायंस की ये बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन एनडीए में बड़ा पद मांगा है। विनीत हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनीत, जिस तरह चर्चा हम कर रहे थे कि समझते हैं नायडू भी और नीतीश भी कि समय की मांग क्या है। जी निश्चित तौर पर आप जो सोच रहे थे और जैसे खबर आ रही है उसके अनुसार एनडीए में जो सरकार होगी उसको लेकर के नीतीश कुमार ने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ा पद जो है वो मांगा है। यानी अगर एनडीए नीतीश कुमार चाहते हैं कि न सिर्फ उनकी सरकार में वह हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, बल्कि बड़ा से बड़ा पद जो है, बड़ा से बड़ा मंत्रालय जो है वो उन्हें मिले, ताकि वे जो मंत्रिमंडल में प्रभाव है वो अधिक हो सके और इसके साथ ही साथ जो पॉलिसी होती है उसमें अधिक से अधिक उनकी विभाग की जो भूमिका है वो हो सके। लेकिन एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बड़ा पद मांगा है, बड़ा मंत्रालय मांगा है, उसके साथ ही साथ उन्होंने नंबर्स को लेकर के भी कहीं ना कहीं बार्गेन की थी। अगर 2019 की बात करें तो उस वक्त जब पहली बार जो सहयोगी दलों को जो मंत्रिमंडल स्थान दिया गया था, एक एक वर्ष जो है कैबिनेट वर्ष जो है वो दिया गया था, हालांकि भी नीतीश कुमार जो है इसी कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाद में वो उनकी पार्टी से आरसीपी सिंह जो है वो शामिल हुए थे। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जो है इस बार अगर कैबिनेट में शामिल होते हैं तो वो अधिक से अधिक भूमिका जो है वो अपने चाहेंगे, वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक न सिर्फ उन्हें बड़ा मंत्रालय मिले बल्कि अधिक से अधिक जो भूमिका हो या फिर अधिक से अधिक जो संख्या में मंत्रिमंडल में उनके लोग जो है वो शामिल हो, इसको लेकर के डिमांड जो है वो नीतीश कुमार कर सकते हैं। उन्होंने अपने लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद मांगा है। वो चाहते हैं कि जेडीयू के कुछ और लोगों को भी महत्वपूर्ण पद से ही नवाजा जाए, यानी कि वो समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी क्रूशियल है। और बड़ा पद में होम मिनिस्ट्री, अगर गृह मंत्रालय की बात रही अगर निकलकर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। विनीत, मंत्रालय का जो पद है वो काफी बड़ा हो जाता है और ऐसे में इसकी संभावना कम है जो बीजेपी जो है वो गृह मंत्रालय का पद जो है वो अपने सहयोगी दल को देगी। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार की ओर से, जो हमारे सूत्र पे भी हमें बता रहे हैं कि बड़ा मंत्रालय मांगा है और उसमें नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से संबंधित जो बड़ा हुआ मंत्रालय रहता है, जिसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होते हैं, इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय भी होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन से जुड़ा हुआ मंत्रालय होता है, इसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा मंत्रालय होता है। और निश्चित तौर पर जो अब बात सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने इन्हीं मंत्रालयों में से एक मंत्रालय मांगा है ताकि जो उनकी सरकार में भूमिका हो वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो, साथ ही साथ जो विशेष। विनीत, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर समय की आ रही है कि एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया सर्वसम्मति के साथ, कि सभी की सहमति के साथ नरेंद्र मोदी को ही एनडीए का नेता चुना गया है। तो एनडीए की बैठक हुई, बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर हर कोई एकमत दिखाई दिया। राष्ट्रपति ने 7 जून को शाम 5 बजे एनडीए के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है और नरेंद्र मोदी के नाम पर रायशुमारी में सब एक सुर से सबने उनके नाम पर सहमति दी है। विनीत,
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बैठक में जो एनडीए की जो बैठक हुई, वहां पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, वहां पर सभी ने एनडीए के नेता के तौर पर जो है वो, या फिर हम कह सकते हैं एनडीए को समर्थन के तौर पर, वहां पर सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से 7 तारीख को बैठक बुलाई गई है, एनडीए के सभी नए चुने हुए सांसदों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के नेता के साथ साथ जो सहयोगी दल के सांसद हैं उन्हें भी बुलाया गया है। दोपहर 2 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें बुलाया गया है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था जताई जाएगी और उन्हें नेता जो है वो चुना जाएगा। साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता जो है वो उस समय चुना जाता है, उसके बाद जो है वो सरकार बनाने की दावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण में समारोह जो है वो होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी बीजेपी जो हो या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो गठन होता है या फिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है और फिर किसे इसमें शामिल किया जाए या फिर किसे बाहर रखा जाए और किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसका फैसला जो है वो प्रधानमंत्री का ही करते हैं, उनका यह विशेषाधिकार होता है। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी घटक दलों से, क्योंकि अगर हम बात करें गठबंधन की भी एक अपनी सीमा होती है, गठबंधन का एक अपना एक धर्म होता है और इसी धर्म के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी घटक दलों से बात करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे और जितनी मांग पूरी की जा सकती है उसे पूरा करने की कोशिश भी जो है वो इस बार बीजेपी करेगी। अगर हम यह देखें कि अगर आंकड़ों के बारे में बात करें, निश्चित तौर पर आंकड़ा जो है वो एनडीए के पास है, लेकिन जिस तरह से अगर हम 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, जब 2014 और 2019 में बीजेपी के पास जो है वो अकेले बहुमत था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एनडीए के साथ सरकार चलाई, लेकिन इस बार बीजेपी के पास जो है पूर्ण बहुमत नहीं है, हालांकि जो पूर्ण बहुमत है वो एनडीए के साथ है और ऐसे में बीजेपी पर निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत दबाव जो है वो पहले से अधिक होगा, घटक दलों का दबाव जो है वो पहले से अधिक होगा और वो जो है वो अपने लिए विभिन्न मंत्रालयों की जो है वो मांग करेंगे, जिसमें ऐसे मंत्रालय जिनका बजट ज्यादा हो, ऐसे मंत्रालय जिनका रुतबा ज्यादा हो। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ मंत्रालयों की बात में की जाएगी, जैसा कि हमने इसकी चर्चा जो है वो पहले भी की थी कि न सिर्फ मंत्रालयों की बात की जाएगी बल्कि उन चीजों की भी बात की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दिलाने की मांग जो है वो लगातार करते रहे हैं और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन जैसा कि जो हमें सरकार से पहले भी बात हुई थी, सरकार के मंत्रियों से बात हुई थी, उनका उस वक्त साफ तौर पर कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा जो है